आगामी कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार और मेला प्रशासन तमाम तैयारियां कर रहा है। उनको भव्य और सुंदर बनाने को लेकर भी कार्य चल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ का स्वरूप क्या होगा उसका आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा, मगर कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं साधु संत सरकार और मेला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य से भी अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं साधु संतों ने भक्तों और अखाड़ों के संतों से भी अपील की है कि कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जाए। कुंभ का व्यवस्था बहुत सही चल रहा है और सही होगा, क्योंकि उत्तराचल के मुख्यमंत्री द्वारा ये अवगत कराया गया है कि कोरोना बारिश में जैसी भी सरकार की योजना होगी उसके करबद्ध कुंभ मेले का लगाया जाएगा और जो जो भी इसमें पाबंदियाँ होंगी उन पाबंदियों के तहत कुंभ मेला अवश्य लगेगा, विशाल कुंभ मेला लगेगा। इसमें कोई संत में बहुत उत्साह है और सभी संतों सभी अखाड़ों में और सभी संप्रदायों में ये बना हुआ है मनोबल कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के द्वारा कुंभ मेला मनाया। अगर बढ़ता है जैसा भी अगर बढ़ता है कोरोना महामारी तो सूक्ष्म में भी किया जा सकता है, अगर रोकथाम होती है जैसी भी सरकार के द्वारा प्रक्रिया होगी जैसा भी आगंतुक होगा उसके अनुसार ये सब संत लोग अपना कार्यक्रम तो से आह्वान यही करता है कि स्वच्छिम रोग से आए और मास्क का प्रयोग करें और दो गज की दूरी बना के रखें और सैनिटाइजर का जो है इस्तेमाल करें। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और उत्तराखंड सरकार भी आने वाले वक्त में कोरोना की क्या स्थिति रहती है उसको देखते हुए कुंभ का स्वरूप तय करेगी, मगर साधु संत काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर कमलदास महाराज का कहना है कि कुंभ मेले को साधु संत दिव्य और भव्य रूप से मनाएंगे, मगर कोरोना महामारी को देखते हुए अखाड़ों मेला प्रशासन द्वारा क्या स्वरूप बनाया जाएगा उसके अनुसार ही कुंभ मेले को क्या किया जाएगा। कुंभ मेला तो निश्चित ही होगा क्योंकि कुंभ मेले को टाला नहीं जा सकता। हम गंगा माँ से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना महामारी जल्द समाप्त हो जिससे कुंभ मेला भव्य और सुंदर हो। कुंभ मेला 2021 में होने वाला है और हम लोग तो कुंभ मेला दिव्य और भव्य करेंगे, मगर कोरोना महामारी जो चल रही है उसको देखते हुए जैसा स्वरूप तैयार किया जाएगा अखाड़ों के द्वारा और प्रशासन के द्वारा उस स्वरूप में कुंभ मेला होगा। कुंभ मेला तो निश्चित होगा, कुंभ मेला को टाला नहीं जा सकता, क्योंकि जो कुंभ मेले का विधान है वो अपने विधान पर सही समय पर संपन्न होगा। माता रानी से प्रार्थना करते हैं ये कोरोना महामारी समाप्त हो तो और दिव्य और भव्य कुंभ मेला संपन्न हो। संतों के अंदर उत्साह है, सभी अखाड़ों के अंदर उत्साह है, तय किया जाएगा क्योंकि बिगर स्वरूप के जो है नहीं किया जाएगा। जैसा सभी अखाड़ों के संत और हमारा अखाड़ा परिषद जैसा तय करेगा हम उस हिसाब से जो कुंभ का आयोजन करेंगे। माँ गंगा से कामना करता हूँ कि आने वाला जो महाकुंभ मेला है सकुशल संपन्न हो। कोरोना महामारी की वजह से कुंभ का स्वरूप क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुंभ मेले को लेकर साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और सभी अखाड़ों के साधु संत कुंभ को भव्य और सुंदर तरीके से मनाने की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कुंभ मेले के वक्त कोरोना महामारी का क्या रूप रहता है और क्या कुंभ मेला भव्य और सुंदर हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।